تعال مين جاي من قدينا يا سيدي وهذا بلانت لوال اللهم صل على محمد وعلى محمد هم الله بيجي يا الله ये घर कैसे हिदायत करेगा ये तो मिट्टी का मेरे को घर है ये तो पत्थर का मेरे को घर है ये तो ईंटों का मेरे को घर है ये कैसे हिदायत करेगा ये मिट्टी ईंटों का बना हुआ मिट्टी ईंटों पत्थर का मेरा वो घर ये कैसे हिदायत करेगा ना तो ये बोल सकता है ना तो बता सकता है अरे क्या बात है सुन सकता है कैसे हिदायत करेगा तो अल्लाह इसी आयत में इरशाद फरमाता है कि फी आयातुन बय्यिनात इसके अंदर जाहिर साफ निशानियां हैं हम इस निशानी कैसे हिदायत करती है इसके लिए हम छोटी सी एक मिसाल लेंगे जैसे हम गाड़ी में थे रोड पर आए हमने क्या देखा एक सिग्नल लगा हुआ है उसमें तीन लाइट जल रही है एक रेड एक येलो एक ग्रीन यदि येलो लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती इंतजार करती है और यदि रेड लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती है और यदि ग्रीन लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां तो हमने क्या देखा ना तो सिग्नल बोला ना तो कोई हरकत ना तो चला लेकिन उसने अपने इशारों से समझा दिया कि कब रुकना है कब चलना है और कब इंतजार करना है इंतजार कावा भी हिदायत करता है पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पहली जर्नी इसी आयत के अंदर है इन्ना अव्वला बैतिन मुर अले नाथ लल नदी बे बक्कता मुबारकन वहुदल्लिल आलमीन आए हम पहली निगरानी की तरफ चलते काबा शुरू से ही मक्के में था और आज भी मक्के में है और कयामत तक मक्के में रहेगा ना तो खत्म होगा ना तो चेंज होगा ना तो इसके बदले कोई और काबा आएगा ये हमेशा रहेगा लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये नहीं किया